बालोद के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अर्जुंदा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के आह्वान पर गुंडरदेही मंडल, अर्जुंदा मंडल एवं खीरथा मंडल में गरीबों का हक पक्का आवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो कि पूरे देश में लागू किया गया है, जिसमें 16 लाख आवास प्रदेश में बनना था। बालोद जिला में 50,000 से 75,000 आवास एवं गुंडरदेही विधानसभा में 10 से 15,000 आवास बनना था, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा रोक कर रखा गया है। पूर्व विधायक राजेंद्र राय के द्वारा विधायक कुंवर सिंह निषाद पर आरोप लगाया गया है कि 12 लाख रुपए के उपार्जन केंद्र बनना था, जिसका बिल कृषि केंद्र से बनाया गया और पास हो गया। साथ ही देवरी से मोहंदीपाठ के बीच 12.6 किलोमीटर के सड़क पर DPR चेंज कर दिया गया और 4 पुल को गायब कर दिया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायतों में सरपंचों के द्वारा गांव के विकास के लिए प्रस्ताव देने पर 20 से 25% एडवांस में लिया जाता है, जो कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को दर्शाता है, एवं भारी मात्रा में युवा कार्यकर्ता के साथ आवास विहीन महिलाएं भी शामिल हुई, जहां जमकर नारेबाजी के साथ रैली निकालकर विधायक कुंवर सिंह निषाद के आवास पर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए बैरिकेड को तोड़कर आवास का घेराव किया गया। देखो, देश की मोदी सरकार ने 2014 में एक योजना बनाई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत तो देश का हर एक गरीब परिवार जो कच्चे मकानों में रहता है, जिसके पास में मकान नहीं है, उनको पक्के मकान देने की योजना बनी। आज पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में गरीबों के पक्के मकान बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा अछूता प्रदेश है जहां जानबूझकर जो राज्यांश है, जो राज्य की राशि लगनी, उसको जानबूझकर रोका जा रहा है, जिसके कारण यहां के गरीबों को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है। 2014 से 18 तक डॉक्टर अमन सिंह की सरकार थी, हमारी राशि जाती थी राज्य की और मोदी जी के पैसे आते थे, लेकिन 18 से 22 के बीच लगभग 4 साल हो गए, गरीबों की राज्यांश राशि ये भूपेश बघेल की सरकार रोक रही है। वो इसलिए कि हर एक गरीब के परिवार के पास जब पक्का मकान होगा, उसके घर के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना लिखेगी। लोग नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे कि जो कांग्रेस से 75 साल में नहीं किया, वो मोदी जी ने पक्का मकान बनाकर दिया। इसलिए जानबूझकर पैसा रोका जा रहा है, लेकिन हर एक गरीब परिवार को अधिकार है कि मोदी जी ने मकान दिया है तो वो मकान बनना चाहिए। जब सरकार से अपील की गई, इन्होंने नहीं माना, केंद्रीय मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, यहां तक कि यहां के मंत्री TS सिंहदेव जी ने भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर पंचायत विभाग को छोड़ दिया कि मैं एक भी मकान नहीं बना पा रहा हूं। ऐसे समय में इस बीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया कि लगभग 16 लाख जो परिवार हैं, उन परिवारों को मकान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए हमने ग्राम पंचायत से लेकर आज विधानसभा और विधानसभा का प्रदेश का भी घेराव करेंगे। हर एक व्यक्ति से जो इसके लिए वैलिड है, उसका फॉर्म हम भरवा रहे हैं और लाखों की संख्या में लेकर हम विधायकों, ये विधायक निगम में है, ये भूपेश बघेल सरकार से लड़ नहीं पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के गरीब परिवार उनका मकान नहीं बन पा रहा है, कि आप राशि जारी करिए। ये डरे सहमे लोग हैं ऐसे विधायक, इसलिए आज हमको विधायक का निवास घेराव करना पड़ रहा है, पूरे विधायकों का, कांग्रेस के विधायकों का। और हमारी ये मांग है कि भूपेश बघेल की सरकार राशि जारी करे, जिनसे गरीबों का पक्का मकान बन पाए, और यदि ये नहीं करते हैं तो हम प्रदेश में भी ट्रकों में भरकर आवेदन हम जाकर वहां पर देंगे कि लाखों लोग हैं, और नहीं तो गरीबों के साथ में हमने ये तय कर लिया है, यदि इसके बाद भी भूपेश बघेल हट धर्मिता दिखाते हैं तो 6 महीने के बाद चुनाव में यही प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इस सरकार को हम बाहर उखाड़ कर फेंकेंगे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यदि कोई पहला काम होगा तो इन गरीबों के आवास बनाने का काम होगा। इसके लिए आज हम यहां पर आंदोलन करने के लिए आए।